हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग ने लास्ट में चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम लोग ने BQ सीरीज का एक IC देखा था और सैमसंग का भी एक मैंने स्टार्ट किया था जो कि SM5703 यानी कि SM5703 इस IC के ऊपर हमने काफ़ी सारी पिनों का डिस्कशन किया था। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है आईफोन का चार्जिंग सेक्शन देखेंगे, तो वहाँ पे ये वाला जो वीडियो है ये आपको बहुत ही काम लगने वाला है, क्योंकि आगे का तो जो था वो तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो IC यूज़ की गई है SM5703, तो इसकी कुछ खासियत है मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। और जिन्होंने आगे के ये इसके वीडियो नहीं देखे हैं SM सीरीज़ के IC के, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको अच्छे से पहले एक बार आप देख लीजिए, फिर बाद में ये देखिए। तो ये वाली जो IC है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है IFPM IC, तो सैमसंग के अंदर जो चार्जिंग IC होती है जिसे हम DC to DC IC कह सकते हैं, वो एक तरह की सेकेंड पावर IC है जिसको बोला जाता है IFPM IC। और उसके अंदर MU IC, चार्जिंग IC, फ्यूल गेज, बक और LDO ये सारी सप्लाई जो है वो इसके अंदर यूज़ में ली गई है। इसका चार्जिंग का फंक्शन, फ्यूल गेज का फंक्शन, ये सारे फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं MU IC का फंक्शन। तो MU IC जो है जनरली ये वर्ड्स जो है सैमसंग यूज़ करता है, और MU IC का मतलब होता है USB स्विचिंग IC। यहाँ पे इसका जो नाम है वो MU IC लिखा जाता है सैमसंग के अंदर, लेकिन एक्चुअल जो इसका नाम है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो है USB स्विचिंग IC। तो USB स्विचिंग IC सबसे पहले तो क्या है उसको हमें समझना ज़रूरी है। तो USB स्विचिंग IC का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, खास करके कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनको अगर हमें फ्लैश करना हो तो हम उसको जैसे स्विच ऑफ मोड में, हम जैसे MTK या Qualcomm फ़ोन है तो MTK को हम डायरेक्ट या कोई भी ऑन ऑफ की या पावर की सॉरी वॉल्यूम की वगैरह हम लोग उसको प्रेस करके हम लोग अटैच करते हैं कंप्यूटर के से या लैपटॉप के साथ, तो उसका फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसका MTK पोर्ट बन जाता है और वो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर Qualcomm का फ़ोन है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको EDL को प्रेस करते हैं, यानी कि जो इसकी जो EDL की जो दो पिनें रहती है उसको अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा फ्लैशिंग मोड में फ़ोन चला जाता है। लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं कि जो स्पेशली मोड में डाले जाते हैं, जैसे सैमसंग है, आईफोन है, तो सैमसंग के अंदर जनरली यूज़ में ये लिया जाता है कि सैमसंग के फ़ोन को अगर आपको फ्लैश करना है तो उसको डाउनलोड मोड पर डालना पड़ता है। तो ये डाउनलोड मोड केबल वहीं पर लगता है, यानी कि आपका जहाँ पर USB लगता है वहीं पर लगता है। अगर हम उसको चार्जिंग मोड में लगा रहे हैं तो सिर्फ चार्जिंग कर रहा है वो, अगर उसको हमें कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो उसके लिए भी मोड अलग है। तो ये सारे मोडों को स्विचिंग करने के लिए एक IC का यूज़ होता है जिसको USB स्विचिंग IC बोला जाता है। तो यहाँ पे ये IC मैंने ली हुई है 5703 जो हम आगे डिस्कस करते आए हैं, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है तो इसमें USB स्विचिंग क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि एक चीज़ जो उसमें पहले होती है, पहले मैं इसको IC मैंने यहाँ पे बना ली है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी फ़ोन के अंदर अगर आपका चार्जिंग का DMDP है वो CPU में डायरेक्ट न जाके अगर कोई IC के अंदर जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे USB स्विचिंग का काम हो रहा है, यानी कि DMDP जो है वो आपका डायरेक्ट CPU में नहीं जाएगा लेकिन किसी IC के थ्रू जाएगा। तो वहाँ पर ये दो तरह से काम करेगा, एक तो जो हमारे जितने भी 3G 4G मॉडल है उसके अंदर अगर कोई हमारा फास्ट चार्जिंग है तो वो फास्ट चार्जिंग जो है वो DMDP से भी एक्टिवेट होता है। तो ये DMDP जो है उसमें चार्जिंग का रोल भी यहाँ पे रहता है कि फास्ट चार्जिंग के लिए DMDP जो है वो जिम्मेदार है। कई बार हमने जैसे अगर आप लोगों ने फॉल्ट सॉल्व किए हो तो आपने देखा होगा कि आपका DMDP अगर प्रॉपर नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका फ़ोन जो है वो स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग में चला जाता है। तो DMDP का रोल जो है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि DMDP जो है वो CPU में डायरेक्ट ना जाके चार्जिंग IC या दूसरी कोई IC के साथ कनेक्टेड रहता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे USB स्विचिंग हो रही है। तो यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे काम हो रहे हैं जिसको हमें बेसिकली समझना ज़रूरी है। अगर ये सारी वर्किंग जो है ये आपने प्रॉपरली समझ ली तो आगे जो भी सर्किट आने वाली है या आगे जो डायग्राम आने वाले हैं उसको मैं आपको प्रॉपरली समझा पाऊँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप प्रॉपरली देखिए। तो ये एक चीज़ हो गई कि DMDP का रोल जो है वो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा DMDP जो है, एक तो देखिए सबसे पहले एक ID की लाइन आ रही है MUIC ID, तो ये जो है ये आपका चार्जिंग कनेक्टर से आएगा। इसके अलावा
इसमें DMDP जो कनेक्ट है ये भी आपका चार्जिंग कनेक्टर से आएगा। अगर हम इसको ठीक करते हैं, USB DN को हमने चेक किया और यहाँ से हम देखे आगे, तो देखिए ये हमारे आ गए कहाँ पे, ये आ गए हम चार्जिंग कनेक्टर पे, यानी कि जो हमारा जहाँ पे हमारा USB कनेक्टर है वो लगता है। यहाँ से VBUS की लाइन भी बनती है, साथ में यहाँ पे MUIC DN और MUIC DP, DN यानी कि डेटा नेगेटिव डेटा प्लस आप इसको बोल सकते हो, तो ये डेटा की लाइन है दोनों, और MUIC ID जो है वो आपका जो चार्जर लगता है उसको आइडेंटिफाई करता है, तो ये आईडी का लाइन भी है। जनरली ये सारी लाइनें जो है अगर आप पहले के डायग्राम में देखोगे तो ये सारी CPU से कनेक्टेड होती है और CPU से ही इसका ऑपरेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे इसको एक चार्जिंग IC के थ्रू लिया गया है और ये चार्जिंग IC के अंदर यहाँ पे USB स्विचिंग IC जो है वो यूज़ की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको चार्जिंग IC के थ्रू लिया गया है। अब हम वापस चलते हैं डायग्राम पे, इसके अंदर देख ले, हम इस लाइन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ रजिस्टर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे तीन जगह पे तीन रजिस्टर यूज में लिए गए हैं और कुछ यहाँ पे जीनर डायोड को यहाँ पे ग्राउंड किया गया है जो कि इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन के लिए रखे गए हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे केबल लगाते हो तो ये एक तरह से जब आप इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आते हैं, कुछ सप्लाई आती है, तो उनको फिल्ट्रेशन करने के लिए ये कंपोनेंट रखे जाते हैं। तो ये चर्चा हम बाद में करेंगे, जब इसका प्रॉपरली लेक्चर आएगा तब इसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि DMDP पे आपको कितना सप्लाई मिलता है, क्या मिलता है और कैसे ये वर्क करता है इसका फास्ट चार्जिंग, तो ये हम आगे के सर्किट में देखेंगे। फिलहाल ये यहाँ पे इस तरह से सर्किट बनी हुई है और यहाँ से हम बैक जाते हैं, ये जो है ये कहाँ कहाँ पे जाता है हम इसको देख लेते हैं। ये आ गए हम लोग SM5703 पे, तो यहाँ पे ये तीनों लाइनें जो है DM, DP और ID, ये तीनों लाइनें हैं जो CPU में डायरेक्ट ना जाके इस चार्जिंग IC के साथ, या इसको हम बोल सकते हैं USB स्विचिंग IC, या हम बोल सकते हैं MUIC अगर सैमसंग की लैंग्वेज में बोले तो इससे ये कनेक्टेड रहती है। और इससे इसका क्या क्या काम होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इतना बना लेते हैं डायग्राम के अंदर, फिर हम जो है इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया एक चार्जिंग कनेक्टर, और चार्जिंग कनेक्टर के अंदर से हमने VBUS वगैरह की लाइन पहले देखी थी, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। एक देखा हमने रजिस्टर, और फिर ये लाइन जो है इसमें एक TVS डायोड लगा हुआ है जिसको ग्राउंड किया हुआ है, और ये A2 नंबर की पिन पे, यानी कि आपकी चार्जिंग IC की A2 नंबर की पिन पे जा रही है। दूसरी की जो DP की लाइन है उसमें भी एक 2.2K का रजिस्टर रखा हुआ है, और ये लाइन भी आपकी जा रही है A1 के अंदर, उसके अंदर भी एक TVS डायोड को यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, तो ये A1 के अंदर आ गई DP की लाइन, तो DM DP दोनों हो गया। अब तीसरा लाइन जो है वो ID का लाइन है, जिसके अंदर एक 10 ओम्स का रजिस्टर रखा है, और ये रजिस्टर लगाकर इसमें भी एक जीनर डायोड को ग्राउंड किया गया है, और ये यहाँ पे F1 पे आ गया। तो ये इतने कनेक्शन जो है ये डायरेक्ट CPU में से ना जाके ये आपका आ रहा है इस IC के अंदर, जो कि USB स्विचिंग IC है और चार्जिंग IC भी है। तो यहाँ पे USB स्विचिंग और चार्जिंग दोनों को कंबाइन किया गया है, तो सैमसंग के फ़ोन के अंदर आपको यही वाला सिस्टम देखने को मिलता है। अब इसका काम क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फ़ोन जो है वो अलग अलग मोड के अंदर कनेक्ट होता है। अगर सपोज़ हमें सिर्फ चार्जर करना है तो हमारा फ़ोन जो है वो चार्जिंग मोड में कनेक्ट हो जाएगा, तो ये IC जो है उसको एक INT सिग्नल मिलता है, उससे उसको पता चलता है कि हमारा फ़ोन जो है वो कौन से मोड में लगा हुआ है। दूसरी चीज़ कि अगर सपोज़ हम किसी डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें कंप्यूटर में से मोबाइल में या मोबाइल में से कंप्यूटर में अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए भी हम केबल का यूज़ करते हैं, यानी कि USB केबल वहाँ पे लगाते हैं। तो उस USB केबल को जब हम लगाते हैं तो वो एक अलग मोड में कन्वर्ट होता है, जिसे बोला जाता है होस्ट मोड। होस्ट मोड का मतलब होता है कि जो आपके कंप्यूटर के साथ एक होस्टिंग कर रहा है, यानी कि उसमें कोई भी डेटा का आप लेन देन कर सकते हो, तो इस तरह से होस्ट मोड में कन्वर्ट होता है। तो ये एक कन्वर्ट हो गया, एक चार्जिंग मोड हो गया, दूसरा आपका हो गया होस्ट मोड। अगर आपको सैमसंग के फ़ोन को फ्लैशिंग करना है तो आप क्या करते हो कि उसको डाउनलोडिंग मोड में, या इसको ओडिन मोड भी बोला जाता है, तो ये डाउनलोड मोड या ओडिन मोड के अंदर जब आप फ़ोन को डालते हो और जब आप उसके अंदर केबल लगाते हो तो एक INT सिग्नल CPU को ये इस IC को मिलता है, और वो CPU को डेटा क्लॉक के जरिए बताता है कि आपका फ़ोन जो है वो फ्लैशिंग मोड में कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो पिनें काम करेगी वो RX TX की काम करेगी। अगर आप लोग पहले से काम करते हो तो आपने देखा होगा कि पहले के जो फ़ोन थे हम लोग, मिरेकल वगैरह जो भी, GPG ड्रैगन है या एवेटर है, ऐसे जो सारे बॉक्स जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, तो उसके अंदर जो फ़ोन का हमारे पास मतलब उसमें केबल वगैरह नहीं होता था, या केबल होता था भी था, तो हम लोग उसको एक RX TX का जंपर लगा के, या उसमें कुछ दो चार जंपर आते थे, जो जंपर लगा कर हम उसको कनेक्ट करते थे फ़ोन को और फ्लैश करते थे। तो ये इसी तरह से
इसमें अलग अलग मोड जो है वो होता है, कनेक्ट होता है, या तो चार्जिंग मोड में आप कनेक्ट कर रहे हो, या आप होस्ट मोड में यानी कि डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ कर रहे हो, या आप उसको फ्लैशिंग मोड के अंदर RXTX मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तीनों अलग अलग मोड हैं। केबल आपका एक ही जगह पे लगेगा, एक ही कनेक्टर के अंदर लगेगा, केबल भी सेम है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग तीनों की अलग अलग हो जाती है। तो ये IC जो है उसका स्विचिंग कराकर आपको जिस मोड में आपको उसको यूज़ करना है उसमें ये IC आपको हेल्प करती है। और यही वाली सिस्टम जो है वो आईफोन के अंदर भी है। तो हम जब आईफोन का चार्जिंग सेक्शन देखेंगे तब ये चीज़ आपको मुझे समझानी थी, इसके लिए स्पेशली मैंने आज इसको लिया है कि अगर इसको हम समझ लेंगे तो आईफोन का सेक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने बना ली। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सपोज यहाँ पे आप देखोगे तो RXTX के यहाँ पे अलग अलग मोड यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सपोज DM DP कनेक्टर ID, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई, DM कनेक्ट आ गया, DP कनेक्ट आ गया, ID कनेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है RXD यानी कि ये रिसीविंग मोड जो होता है मैंने जो बोला आपको, और यहाँ पे TXD यानी कि ट्रांसमिटिंग मोड। तो यानी कि अगर आपको फ्लैशिंग करना है तो उसके अंदर आपकी फाइल राइट भी होगी, इरेज भी होगी, ये दोनों चीज़ होती है, यानी कि इसमें डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों यहाँ पे से होता है। तो ये RX और TX मोड का यूज़ होता है। दूसरी लाइन जो यहाँ पे लिखा है DP होस्ट और यहाँ पे लिखा है DM होस्ट, तो ये दोनों चीज़ें हैं वो यहाँ पे यूज़ में ली गई है। अगर आपके कई सारे फ़ोन के अंदर ऐसा होता है कि जो आपका चार्जिंग कनेक्टर होता है वहीं से आपका ऑडियो भी रिलीज होता है, यानी कि वहाँ पे हैंड्स फ्री आप लगा सकते हो, बहुत सारे फ़ोन के अंदर ये सिस्टम होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है, लेकिन फिलहाल इस IC के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों कनेक्शन जो है वो ज़रूरी है, यानी कि आपका DP DM होस्ट मोड में कनेक्ट हो रहा है या RXTX मोड के अंदर कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों कनेक्टर में। चार्जिंग के लिए तो हम लोग ऑलरेडी पहले VBUS वाला देख चुके हैं कि अगर चार्जिंग मोड में कनेक्ट होता है तो हमारा फ़ोन चार्जिंग मोड के अंदर जो है वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन बाकी के अलावा इसके अलावा भी दो मोड के अंदर फ़ोन हमारा जो है वो ऑन होता है। और इसके लिए कितनी कितनी चीज़ें होती है, तो एक हम पहले DP DM होस्ट की बात ले लेते हैं। तो USB DP DM होस्ट जो है ये डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होता है, यानी कि ये आपका जो पिन रहता है ये CPU से कनेक्ट रहता है, यानी कि जब आपका चार्जर या आप केबल जब इसको पे लगाते हो तो आप देख लेता है PC के आपने डाउनलोडिंग मोड करके आपने इसके अंदर जो है वो केबल को इंसर्ट किया हुआ है, तो ये IC जो है उसको रीड करेगी, यानी कि एक INT सिग्नल यहाँ से देगी, यानी कि CPU को बताएगी कि ये फ़ोन फ्लैशिंग करने के लिए यहाँ पे यूज़ में लिया गया है, तो फ्लैशिंग मोड में वो आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो जाता है। और आपके मोबाइल के अंदर जो अगर आपके लैपटॉप के या कंप्यूटर के अंदर आपने अगर उसका ड्राइवर डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर ले लेगा और आपको वहाँ पे ODIN के अंदर उसका मॉडल जो है वो शो कर देगा या आपका ड्राइवर जो है उसको शो कर देगा। तो ये इतनी चीज़ें होती है DP या DM होस्ट के अंदर। तो इसको हम पहले बना लेते हैं। तो DP DM होस्ट यहाँ पे इस C1 नंबर की पिन पे आ रहा है, जो कि DM होस्ट है जो डायरेक्ट CPU में जाता है। इसके अलावा एक जो दूसरी लाइन है वो DP होस्ट है। तो DM और DP होस्ट ये दोनों लाइनें जो है वो डायरेक्ट CPU के अंदर जाती है, यानी कि CPU को पता चल जाता है कि आपने कौन से बोर्ड में उसको कनेक्ट किया है। इसके लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ज़रूरत पड़ेगी INT की, यानी कि MUIC INT होता है। देखिए ये INT जो है ये MUIC का INT है, इसके पहले हमने दूसरा INT देखा था लेकिन वो IF का था, यानी कि IFPMIC का था। इसके अंदर हमने डाटा क्लॉक की भी लाइन देखी थी, तो यहाँ पे फ्यूल गेज के लिए डाटा क्लॉक अलग है, IFPMIC के लिए डाटा क्लॉक अलग है और MUIC के लिए भी डाटा क्लॉक यहाँ पे अलग है। उसी तरह से INT सिग्नल भी अलग अलग है, यानी कि अगर आपने चार्जिंग मोड में कनेक्ट किया है तो उसका अलग INT मिलेगा, अगर आपने होस्ट मोड में कनेक्ट किया है या RXTX मोड में कनेक्ट किया है तो उसका INT भी यहाँ पे MUIC के लिए पर्टिकुलरली अलग से दिया गया है। तो इतना पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, ये हमारा जो है वो पहले हम डाटा क्लॉक की लाइनें बना लेते हैं और INT के लाइनें बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1.8 वाला एक रजिस्टर लगा के, यानी कि पुल अप सर्किट बना के उसमें 2.2K का रजिस्टर रख के MUIC का SDA यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यानी कि सीरियल डेटा, ठीक है। और एक लाइन जो होता है वो होता है सीरियल क्लॉक के लिए, जिसके अंदर भी एक रजिस्टर लगाया जाता है 2.2K का और उसमें पुल अप करके इस लाइन पर दिया जाता है, जो कि इसका सीरियल क्लॉक है। तो ये दोनों लाइन कनेक्ट हो गई CPU के साथ। इसके अलावा एक मैंने जैसे आपको बताया कि एक INT सिग्नल जो है वो इंटरप्ट सिग्नल है और वो भी CPU को दिया जाता है कि आपका फ़ोन जो है वो कौन से मोड के अंदर कनेक्ट हुआ है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि
RXTX मोड के लिए भी यहाँ पे लिया गया है, और ये वाला जो है वो झटक UART मोड है। तो ये वाला जो अगर हमारा जो पुराना झटक जो बॉक्स आता था उसके अंदर हम कुछ वायर लगा के उसको जंपरिंग करके उसको जो सॉफ्टवेयर करते थे उसके लिए है ये, लेकिन फिलहाल जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये भी एक तरह का सीधा RXTX मोड है, जैसे हम लोग ने मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग चाइनीज़ फ़ोन वगैरह में जो पहले फ्लैशिंग करते थे तो RXTX लगा के उसको करते थे, वही वाला मोड जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। यानी कि ये भी ये लाइनें भी होती है वो डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे हम इसको भी बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा TXD का लाइन, जिसके अंदर झटाक वाला ऑप्शन भी है जो डायरेक्ट CPU में लाइन जाएगी। इसके अलावा D2 नंबर के पिन से एक लाइन निकल रही है जो कि RXD की लाइन है। ये दोनों की दोनों लाइनें आपको CPU के साथ कनेक्टेड मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको इस MUIC के रिलेटेड है, यानी कि जो USB स्विचिंग IC के रिलेटेड है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और बाकी के जो फंक्शन है वो तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। इसके अंदर कुछ फ्लैश लाइट के लिए जो है वो LDO सप्लाई यहाँ पे बनाई गई है, जो कि हमारे जो कैमरा के पास जो फ्लैश लाइट लगी रहती है उसको एज अ फ्लैश लाइट भी हम यूज़ करते हैं, और अगर हम उसको टॉर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए अलग अलग सिग्नल दिया जाता है। अगर जैसे आपको फ्लैश लाइट यूज़ करनी है तो उसके लिए एक अलग सिग्नल मिलेगा, अगर आप उसको एज ए LED टॉर्च यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग सिग्नल मिलेगा, और ये आपकी LED जो है वो यहाँ से ग्लो करेगी। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर बनाई गई है, इतनी चीज़ें यहाँ पे यूज़ में ली गई है। ऑलमोस्ट हमने सारी पिनें जो है इस IC की, जो पहले हमने 2 या 3 पार्ट मैंने शायद बनाए थे उसके अंदर हम देख चुके हैं, और ये वाला लास्ट पार्ट है जिसके अंदर मैंने बाकी की जो पिनें हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम आईफोन का सेक्शन जो है वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह प्लानिंग है मेरा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम वीडियो देख के मुझे मैक्सिमम कमेंट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपको इस सपोर्ट के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो देख के उसमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सजेशन भी लगता है कि अगर कोई चीज़ में अगर मैं आपको प्रॉपरली नहीं समझा पाया हूँ तो भी आप मुझे बता सकते हो। दूसरी चीज़ कि हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स चालू है, उसके लिए भी अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर हर जगह पे मेरा दिया हुआ है उस पे आप कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी अगर हर जगह पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।